नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। टोनी ग्रेग, नाम सुनते ही कानों में उनकी शारजहां वाली कमेंट्री गूंज पड़ती है। जब सचिन के चौके और छक्कों पर टोनी ग्रेग चार चांद लगा रहे थे, ऐसा माना जाता था कि टोनी ग्रेग की कमेंट्री के बिना सचिन की इनिंग्स फीकी लगती थी। और ये बात बिल्कुल सत्य भी है। टोनी ग्रेग की कमेंट्री का जादू फैंस के सिर चढ़कर बोला करता था। हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। साल 2012 में लंग कैंसर की वजह से उनकी मौत हो गई, पर टोनी ग्रेग आज भी क्रिकेट फैंस के दिलों में जिंदा हैं। खैर, बहुत लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि टोनी ग्रेग कमेंट्री किया करते थे, पर सच्चाई ये है कि टोनी ग्रेग इंग्लैंड के पूर्व कप्तान थे। उन्होंने इंग्लिश टीम की कप्तानी की थी और इंग्लैंड के लिए कुल 58 टेस्ट मैच और 22 वनडे मैच भी खेले। आंकड़ों पर हम बाद में जाएंगे, पहले आपको ये बता दें कि आज ही के दिन यानी 8 जून को टोनी ग्रेग ने टेस्ट डेब्यू किया था। जी हाँ, टोनी ग्रेग ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैनचेस्टर के मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। एशेज सीरीज का ये पहला मुकाबला था और इस मुकाबले में टोनी ग्रेग का प्रदर्शन लाजवाब था। यूँ कहिए कि ड्रीम डेब्यू था इंग्लैंड के लिए। इस मैच की पहली पारी में टोनी ग्रेग ने 123 गेंदों का सामना करते हुए कुल 57 रनों की पारी खेली थी। इसके बाद दूसरी पारी में भी लाजवाब बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश करते हुए उन्होंने 62 रन बनाए, यानी कि दोनों पारियों में अर्धशतक, और टीम के इस मैच में टॉप स्कोरर भी रहे। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। टोनी ग्रेग गेंदबाजी भी किया करते थे। पहली पारी में 1 विकेट और दूसरी पारी में 53 रन देकर 4 विकेट, यानी पहले टेस्ट मैच में ही उन्होंने 5 विकेट अपने नाम किए थे। कमाल का प्रदर्शन टोनी ग्रेग ने इस मुकाबले में किया था और ये मुकाबला इंग्लैंड ने 89 रनों से जीता भी था। बाद में इंग्लैंड के टोनी ग्रेग कप्तान भी बने। आपको बता दें, टोनी ग्रेग ने 58 टेस्ट मुकाबलों में कुल 3599 रन बनाए, जिसमें 8 शतक और 20 अर्धशतक शामिल हैं। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।